नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ए टू जेड स्पीड न्यूज़ में। अमिताभ बच्चन के शो कौन बनेगा करोड़पति 13 में दशहरा के मौके पर शानदार शुक्रवार का एपिसोड आयोजित किया गया। शो में गेस्ट बनकर आई बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी और शोले फिल्म के निर्माता रमेश सिप्पी पहुंचे। शो के दौरान शोले फिल्म के कई आइकॉनिक डायलॉग को अमिताभ और हेमा ने रिक्रिएट किया। खेल की बात करें तो हेमा मालिनी और रमेश सिप्पी ने 25 लाख रुपए की धनराशि जीती, लेकिन दोनों के पास मौका था कि वो ज़्यादा रकम जीत पाए, लेकिन बजर बजने के कारण ऐसा नहीं हो सका और खेल समाप्त हो गया। मथुरा से भारतीय जनता पार्टी की सांसद एवं फिल्म अभिनेत्री हेमा मालिनी ने बताया कि वे जीती गई यह धनराशि मथुरा के गरीब बच्चों की पढ़ाई पर खर्च की जाएगी। हेमा मालिनी आज 16 अक्टूबर को अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही है। एक दिन पहले उन्हें केबीसी 13 की टीम की तरफ से स्पेशल सरप्राइज मिला। केबीसी 13 में हेमा मालिनी के बर्थडे को बेहद ही शानदार तरीके से सेलिब्रेट किया गया। टीम ने शोले के एक स्पेशल मेंबर को बुलाया, जिसे देख हेमा मालिनी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो स्पेशल शख्स कोई और नहीं, रेशमा पठाने, जो शोले में हेमा मालिनी की बॉडी डबल थी। रेशमा ने ही शोले के हेमा मालिनी के लिए सारे स्टंट सीन किए थे। रेशमा ने हेमा मालिनी से कहा कि अरे वो बसंती, हैप्पी बर्थडे, पहचाना मुझे? ये सुनते ही ड्रीम चार्म गर्ल चौंक गई। बता दें कि बॉलीवुड इंडस्ट्री की पहली स्टंट वुमेन रेशमा ही थी। उन्हें शोले गर्ल के नाम से भी जाना जाता था। उन्होंने फिल्म की शूटिंग के दौरान कुछ खास यादों को भी शेयर किया। इसके बाद धर्मेंद्र को वीडियो कॉल किया गया, जिन्होंने शोले फिल्म में वीरू की भूमिका निभाई थी। हिमैन ने अपनी पत्नी हेमा मालिनी पर खूब सारा प्यार बरसाया और शुभकामनाएं दी। शोले के डायरेक्टर रमेश सिप्पी ने हॉट सीट की कमान संभाली। रमेश सिप्पी और हेमा मालिनी ने जो पैसे जीते हैं उसे हेमा मालिनी फाउंडेशन को डोनेट कर दिया गया। इन पैसों से मथुरा में बच्चों की पढ़ाई और मेडिकल ट्रीटमेंट करवाए जाएंगे। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। देखते रहिए ए टू जेड स्पीड न्यूज़। धन्यवाद।